हाय गाइज, वेलकम बैक टू कॉमेडियंस। मैं हूं आप लोग की दोस्त रीमा। तो गाइज, आज हम बनाने वाले हैं आईब्रो, वो भी बीट वैक्स स्ट्रिप से, जो हम हाथों और पैरों पर यूज़ करते हैं। तो इसकी एक स्ट्रिप लेके हम उसे अपने हाथों में अच्छे से वार्म कर लेंगे, गर्म कर लेंगे। उसके लिए हमें करना है अपने हाथों में बीच में उसको लेकर उसको अच्छे से रब करना है, और रब करके वो हो जाती है गर्म। उसके बाद हमें अपने आईब्रोज के ऊपर लगाना है पाउडर। पाउडर के लिए आप कोई भी घर का पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेकअप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो पाउडर लगाने के बाद हम यूज़ करेंगे अपनी वैक्स स्ट्रिप्स का, और पाउडर का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा स्वेटर पसीना है वो सूख पाए। तो गाइस, हमारा ये हम वैक्स स्ट्रिप्स को कर लेंगे कट। कट करना है हमें एक पतली सी, एक हमें छोटे छोटे मतलब पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है इसकी, वैक्स स्ट्रिप बड़ी स्ट्रिप में से, और इसको भी हम अच्छे से रब कर लेंगे। रब करने के बाद हम इसे लगाएंगे अपनी आईब्रो के ऊपर, और आईब्रो के ऊपर हम लगाएंगे मिरर की हेल्प से। आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो किसी और की हेल्प ले लें, या फिर दोनों हाथों से लगाएं, एक हाथ का यूज़ ना करें। मैं एक हाथ का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझको हैबिट है, मैं पहले भी काफ़ी बार बीट वैक्स स्ट्रिप से अपनी आईब्रोज़ को बना चुकी हूँ। तो ब्रोज बनाने के लिए सबसे पहले आप इसे लगाने के बाद अच्छे से इसको रब करें, और रब करके हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में आपको निकालना है। जैसे हम हाथों पे या पैरों पे वैक्स करते हैं ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी वैक्स स्ट्रिप का यूज़ करना है। अब मैं मिरर में देख के इसे अपने आईब्रो के ऊपर सेट कर रही हूँ। आप चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, और अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आईब्रो से ऊपर रखें ताकि आपके आईब्रोज ना उड़े, क्योंकि हम पहली बार बनाते हैं तो कई बार मिस्टेक से आईब्रो भी उड़ जाती हैं। तो आप हमेशा थोड़ा सा दूर रख के ही करें। धीरे धीरे जब आपको आ जाएगा तो आप फिर प्रॉपर एक शेप दे सकते हैं आईब्रो को। तो मैं तो शेप ही दे रही हूँ, इसलिए बिल्कुल टच करके मैं आईब्रोज़ को आईब्रोज़ पे ये बीट स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ। अब मिड में, जो मेरी आईब्रोज़ के मिड सेशन है उसके बीच में मैंने इसको लगाया है, और उसके बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। जो भी बीच में मतलब हेयर्स होते हैं ना, मैं उसके ऊपर आईब्रोज़ के बीच में वो हेयर्स भी मैं निकाल रही हूँ। एंड नाउ इसी तरह से मैं सेकेंड आईब्रो के ऊपर भी इसे यूज़ करने वाली हूँ। सेकेंड आईब्रो के लिए मैंने स्ट्रिप काट के रखी हुई है, तो उसको हम लगाएंगे। एक ही स्ट्रिप सारे में यूज़ नहीं कर सकते, तो दूसरी स्ट्रिप लेके उसे हम अपने आईब्रो के ऊपर लगाएंगे जहाँ हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं, और शेप देने के लिए प्रॉपर आईब्रो के ऊपर लगाएंगे। जैसी शेप आपको देनी है उस तरह से। आप चाहें तो पहले पेंसिल से या आईब्रो पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, एंड जस्ट हेयर के अपोजिट आपको इसे निकालना है। तो शेप देने के लिए आप आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे आप अपनी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे की आईब्रो के लिए हम मोटी नहीं, इससे भी थिन पतली वाली हम स्ट्रिप काटेंगे, ताकि क्योंकि पतली स्ट्रिप इसलिए ताकि हमारे आईज़ पे वो आसानी से लग सके, क्योंकि हमारे आई एरिया बहुत छोटा होता है। तो इसके लिए हम उस पतली लेयर उसको स्ट्रिप को काट के हल्का सा रब करके इसे हम अपने आईब्रो के नीचे वाले एरिया में लगाएंगे, अपनी आईलेट के ऊपर। जस्ट जैसे हमें शेप देनी है उसी शेप के हिसाब से हमें इसको लगाना है, एंड लगाने के बाद हल्का सा रब करना है। रब इतना करना है कि वो फटे ना और निकले ना। तो उसे भी हम अच्छे से रब करेंगे, और अपनी आईज़ को क्लोज़ करके अच्छे से टाइटली पकड़ के तब हम इसे निकालेंगे। अदरवाइज़ जैसे थ्रेड में आपके अगर लूज़ होती है तो थ्रेड लग जाता है, उसी तरह से इससे भी ब्लड आ सकता है। तो इसी तरह से सेकेंड आईब्रो में भी हमें करना है कि हमें अपनी आईब्रो के नीचे इसको सेट करना है, एंड सेट करने के बाद अच्छे से हल्का सा रब करें, आईज को पकड़ें, एंड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच दें। तो जस्ट बनाते वैसे ही हैं जैसे हम हाथों और पैरों में यूज़ करते हैं वैक्स स्ट्रिप का। बस थोड़ा सा हमें केयरफुली करना पड़ता है, बिकॉज़ ये हम आईब्रो बना रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है। मैं तो गाइस काफ़ी टाइप्स का यूज़ कर रही हूँ, वैसे यूज़ नहीं करती, बट लाइक सडन से कहीं भी सडन से लाइक कोई हस्बैंड ने बोला कि हाँ मूवी चलना है, या फिर कहीं पार्टी वार्टी में चलना है, तो अब सडन पार्टी में जाना है या कहीं भी जाना है तो आप अगर अपनी आई शेडो लगाते हैं तो वो आई शेडो अच्छी नहीं लगती। अगर आपके आईब्रो में थोड़े बहुत भी हेयर्स आए हुए होते हैं और आप पार्लर नहीं जा पाते हैं, तो उस टाइम पे मैं वीट वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ करती हूँ ताकि मेरी थ्रेडिंग प्रॉपर क्लीन हो, मेरी आईब्रो बहुत क्लीन लगे, और जो भी मैं आई शेडो लगाऊँ या मैं लाइनर लगाऊँ वो प्रॉपर अच्छे से उभर कर आए।
इसलिए मैं वीट वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ करती हूँ। वैसे अभी इसका फ़ायदा यह है कि लॉकडाउन है तो कोरोना से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी लॉकडाउन में पार्लर्स खुले हुए भी नहीं हैं, और जैसे अब धीरे धीरे खुली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, बट अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप अभी पार्लर ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जो मेरी लास्ट की बची हुई स्ट्रिप है उसे मैं बीच में अगेन जो थोड़े बहुत बाल बचे थे उसे मैं निकाल रही हूँ। तो ये तो मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है। इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं सीज़र का। सीज़र से हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उसको हम कट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी सीज़र यूज़ की है बिकॉज मुझे अभी थोड़ा मिली नहीं थी छोटी सीज़र, तो आप इसके लिए हेयर सीज़र यूज़ करें, उससे आप अपनी थ्रेड को कट करें अच्छी शेप देने के लिए। एंड नाउ आप देखेंगे थ्रेडिंग बन के रेडी है। अब जस्ट हमें करना है कि अपने फेस को क्लीन करना है, वॉश करना है, एंड आपकी थ्रेडिंग बन के रेडी है। तो